Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अभी यहाँ पे कुछ sideways कर रहा है, तो अभी देखोगे यहाँ से हो सकता है price up. Hello दोस्तों, welcome back to my channel. और आज के इस video पे हम लोग जो है बात करने वाले कैसे stock की, जो कि मैं काफी time से radar पे रख रहा हूँ. और ये back to back अभी fall हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा opportunity देखने को मिल रहा है. इसका जो projection है हम लोग detail में discuss करने वाले इस video पे. तो channel पे अगर पहली बार आए channel को subscribe कीजिएगा, इस video को जरूर like कीजिएगा अगर पसंद आए, तो नहीं आए तो dislike कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में. तो हम लोग अब सबसे पहले चलते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे. अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारे जो है ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं, और सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज अगर आप देखोगे मार्केट ने काफ़ी जो है यहाँ पर रेड कैंडल बनाने का कोशिश किया था. मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है चीज़ें को बात करेंगे. तो ये 153 हो गया, हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो नवंबर 1 को था, मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ पे देखिए स्लोली स्लोली हमें यहाँ पे प्राइस जो है डाउन, मतलब इसका लो ब्रेक करते हुए हमें देखने को मिल रहा है. और ये फाइनली यहाँ पे एक बार के लिए लो लगाया. वापस से अगर आप देखोगे इस पॉइंट को, अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, जो हम लोग का ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था कुछ इस तरीके का, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ब्रेक किया. अब जब वापस से इस लेवल पे रिटेस्ट होने के लिए आया, इस लेवल पे टेस्ट किया, अब जो ये सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस की तरह कुछ काम करेगा कुछ ऐसे, तो अब यहाँ से ये प्राइस डाउन आ रहा है. मतलब हम लोग ओवरऑल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो भी सपोर्ट होता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये उतना स्ट्रांग नहीं था जो कि प्राइस को रोक के रख सके. तो इसीलिए ये प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, और उसके बाद जो है यहाँ से एक बार हिट करने के प्राइस डाउन हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में. अगर हम इसको एक बार के लिए निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, तो इससे हम लोग का जो व्यू है स्टॉक का वो एकदम से क्लियर हो जाएगा. अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट भी देखने को मिल जाएगा. तो इसका चार्ट भी मैंने 15 मिनट्स का लगा के रखा है. अगर आप निफ्टी बैंक में इसका चार्ट थोड़ा सा देखो, ये मैंने 15 मिनट्स में अगेन इसमें लगाया है. यहाँ पे अगर आप देखोगे आज यहाँ पे करीबन देखिए यहाँ पे हाई लो ओपन हुआ था, और इसमें देखिए यहाँ पे इसने कोशिश किया है मार्केट को एक ही जगह रोकने का. तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि निफ्टी बैंक इसी लेवल पर साइडवेज कर रहा है. मतलब हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जब जब मार्केट साइडवेज करता है, याद रखिएगा जब जब मार्केट साइडवेज करता है उसका मतलब ये होता है कि उसको डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, मतलब कि ये हो सकता है यहाँ से ऊपर के साइड अप मूव करे, या फिर हो सकता है नीचे के साइड डाउन मूव करे. बट हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अप वाला लेना है या डाउन वाला लेना है. देखिए मार्केट को पहले जाने दीजिए, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा. अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अभी करंट सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए. मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट का अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से एक इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, मतलब कि इसका लो ब्रेक किया और अभी यहाँ पर कुछ साइडवेज कर रहा है. तो अभी देखोगे यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हमें नहीं पता. तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो हो सकता है आप यहाँ पर 50-50 बेट लेने का प्लान कर रहे हो, जिसका मार्केट में कोई भी पेशेंस से नहीं रख सकता है. क्योंकि अगर आपका जब तक पेशेंस नहीं होगा, हो सकता है आप यहाँ पे जो है कॉल ले लो या फिर पोर्ट ले लो, ये आपको गलती नहीं करना है. अब देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी बैंक है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा डाउन तो आना ही चाहिए. क्योंकि मेरा कुछ थ्योरी ऐसा है, मेरा जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि जब जब प्राइस को डाउन आना होता है वो आएगा, डाउन आने के बाद ही ऊपर जाएगा. अब ऐसे तो नहीं कि एकदम से ऊपर ही चले जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा. तो मुझे जो लगता है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ. तो देखिए
यहाँ पे मैं कुछ भी करेंट मार्केट प्राइस पे प्लान नहीं करूँगा। हाँ, ये मेरा एक व्यू रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, मेरा एक पर्टिकुलर व्यू है। कल को मार्केट ऊपर चले जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर मार्केट, अब यहाँ से देखिए, मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं कन्फर्म हो जाऊँगा कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा है। अब मैं कोई ऐसा एक सपोर्ट लेवल देखूँगा और वहाँ पर मैं इसको प्लान करूँगा कि हाँ अब से यहाँ से इस लेवल से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का मैंने व्यू आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, और स्टॉक का नाम है IGL। अगर आपको पता होगा, ये IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस का नाम है इसका। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिला था कुछ इस टाइप का। कई सारे लोग इसको इस तरीके का W पैटर्न वगैरह देखते हैं, यहाँ से इस तरीके का ब्रेकआउट, तो ये सारी चीज़ है। बट मैं ये पैटर्न वगैरह ये सब चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, जिसमें कि आपको कैंडल का क्या लैंग्वेज है वो चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं इसको एक बार के लिए डेली लगाता हूँ, और डेली पे हम लोग को ये चीज़ पता चल रही है कि काफ़ी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है 490 के आसपास से। आप यहाँ पे देख सकते हो 490 से यहाँ पे अच्छा खासा कुछ इस तरीके का सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये ब्रेक करते हैं, ये मैं मानता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये सपोर्ट है। अब यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का बना था पैटर्न, उसके बाद फाइनली ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन अब देखो एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे बीच में गैप कर दिया। अब गैप करने के साथ अगर आप चीज़ देखोगे, इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे अभी जो है सेलिंग देखिए यहाँ पे कम होते जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे देखिए सेलिंग कहीं ना कहीं कम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा हमें यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर आप डालोगे तो आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम डेटा वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, बट हम लोग उतना इनडेप्थ नहीं जाएंगे। इसका हम लोग का देखना है कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस इसी लेवल की ही बात करेंगे। देखिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था। अच्छा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस ने जब जब इसको हिट किया, फिर यहाँ पे साइडवेज किया, फिर डाउन आया, फिर जब यहाँ पे हिट किया साइडवेज किया, फिर डाउन आया, उसके बाद लगातार यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर उसके बाद एक अच्छा हमें अप मूव देखने को मिला। बट अगर अभी इसका हम सपोर्ट की बात करें कुछ इस तरीके का, कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये जो मूवमेंट है वो स्लो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बट ये जो है सपोर्ट, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने जो यहाँ से मूव आया है ना, उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्राइस सेम ही रेंज पे घूम रहा है। अब यहाँ पे अब देखो मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए, जो कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि मैं इस लेवल पे ट्रेड ना लूँ, मैं सोचता हूँ कि इस लेवल पे कहीं पे एंट्री प्लान करूँ इस लेवल पे। ठीक है, तो एग्जैक्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस है, आप देख पा रहे हो कि सेबी अभी कितना स्ट्रिक्ट हो गया है। इसके चलते मैं सिर्फ आपको अपना प्राइस एक्शन, अपना जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको प्लीज़ बाय सेल के लिए रिकमेंड ना ले। अगर आपको कुछ भी प्लान करना है या ट्रेड करना है, फिर अपना जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हो। मैं बस आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इस स्टॉक में, हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे जो है प्लान करके काम करें। बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि हम लोग का प्राइजेक्शन क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लेवल हो सकता है थोड़ा सा हमें रिस्की दे, क्योंकि मैं यहाँ पे
जो है अपना पैसा लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे चाहूँगा ना कि यहाँ पे मेरा SL ना हो जाए, तो मैं इसीलिए इस लेवल पे तो ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, मैं इस लेवल पे वेट करूँगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे कुछ इस तरीके का लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से देखिए ब्रेकआउट नज़र आए और यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर डाउन आया, फिर उसके बाद यहाँ से अप आया। अभी तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं एंट्री करना चाहिए, और उस बेसिस के आपके जो भी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह है, अगर आपको नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये पर्सनली मैं खुद ट्रेड करने वाला हूँ, तो अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ही आपको वहाँ पे देता हूँ कि आप देखो इस लेवल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें विथ स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए मैं आपको वहाँ पे गाइडेंस करता हूँ। तो ये था IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे सारा डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें WhatsApp के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी जील वगैरह जो है एनालिसिस दे दिया था, आप देख सकते हो जील ने आज जो है 3% से भी ज़्यादा हमें अच्छा अपमूव देखने को मिला है। हालांकि रेड मार्केट था, फिर भी हमें जो है 3% का अपमूव देखने को मिला था जील में, तो देख लीजिएगा, मैंने उसका ऑलरेडी एनालिसिस दे चुका था। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।